नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी अब जोर शोर से जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में मोमिन अंसार, सभा के अध्यक्ष अकरम अंसारी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस अवसर पर कांग्रेस मीडिया संयोजक ललन कुमार और वरिष्ठ कांग्रेसी दिनेश सिंह भी मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। मोमिन अंसार सभा ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के संघर्षों के बारे में अवगत कराया है। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है और जनता की आवाज और मुद्दों को लगातार उठा रही है। कोरोना काल में जनता की कांग्रेसियों ने सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अकरम अंसारी जी ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेते हुए अपनी पूरी पार्टी को, राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में विलय करने का निर्णय लिया है। मैं श्री अकरम अंसारी जी सहित पार्टी के सभी नेताओं का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमें उम्मीद है कि श्री अकरम अंसारी जी के आने से आपकी पार्टी विलय करने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी और हमें भरोसा है श्री अकरम अंसारी जी पर कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के रीत नीति और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा और विश्वास करते हुए कांग्रेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।